मयासक्त मनः पार्थ मयासक्त योगं युञ्जन् मदाश्रया योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु यथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझ को संशय रहित जानेगा उसको तू सुन। मया सक्त मना पार्थ, मेरे में जिसका मन आसक्त है। ये भगवत गीता के सातवें अध्याय का प्रथम श्लोक है। दूसरा है ज्ञानम तेहम सविज्ञानम ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। ये भगवत गीता के सातवें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त, भगवान कहते हैं मुझ में जिसका आसक्त चित्त है, अनन्य प्रेम से जो मेरा भजन करता है, मुझ में आसक्त चित्त वाला है, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ है, तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब यहां ध्यान देने जैसी बात है कि भगवान बोलते हैं कि मेरे में, अगर भगवान का मैं हमने ठीक से न समझा, हमारे में आसक्ति का जोर है, तो हम भगवान के किसी रूप को भगवान समझेंगे, और हमारे चित्त में द्वेष है तो कहेंगे कि भगवान कितने अहंकारी हैं कि मेरे में ही आसक्त, श्री कृष्ण कितने अहंकारी। अगर हमारे चित्त में द्वेष है तो श्री कृष्ण के अहंकार के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण में अहंकार का आरोप होगा, और हमारे चित्त में राग है तो श्री कृष्ण की आकृति में हम आकृति को पकड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में आसक्त, श्री कृष्ण का मैं जब तक समझ में नहीं आता अथवा श्री कृष्ण के मैं के तरफ नजर नहीं, तब तक श्री कृष्ण के उपदेश को अथवा श्री कृष्ण के इस अद्भुत इशारे को हम समझ नहीं सकते। मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त, मेरे में जिसकी प्रीति है, हमारे में राग है तो श्री कृष्ण में प्रीति, और हमारे में द्वेष है तो कहेंगे श्री कृष्ण बोलते मेरे में ही प्रीति, ये तो एकदेशिता हुई। सच पूछो तो श्री कृष्ण का जो मैं है वो एकदेशिता को तोड़कर खबरें सुनाने वाला है। श्री कृष्ण ने गीता कही नहीं, श्री कृष्ण के द्वारा गीता गूंज गई। हम कुछ करते हैं तो या तो अनुकूल करते हैं या तो प्रतिकूल करते हैं, करने वाले परिच्छिन्न जीव रहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परिच्छिन्नता को मौजूद रखकर कुछ कहें। श्री कृष्ण तो इतने खुले दरवाजे हैं, इतना खुला जीवन है, इतनी सहजता है, स्वाभाविकता है कि वही कह सकते हैं कि मेरे में आसक्त हो।
आसक्ति शब्द, प्रीति शब्द, शब्द तो टुंके हैं, शब्द बिचारे हैं, अर्थ हमें लगाना पड़ता है। जो हमारी बोलचाल की भाषा है वही श्री कृष्ण बोलेंगे, जो हमारी बोलचाल की भाषा है वही गुरु बोलेंगे। भाषा तो बिचारी अधूरी है, अर्थ भी उसमें हमारी बुद्धि के अनुसार लगता है। लेकिन हमारी बुद्धि जब हमारे व्यक्तित्व का, हमारे देह के दायरे का आकर्षण हमारी बुद्धि छोड़ दे, तो फिर कुछ हम समझने के काबिल हो पाते हैं। और समझने के काबिल होते होते ये समझा जाता है कि हम जो कुछ समझते वो कुछ नहीं। आज तक जो हमने समझा है, आज तक जो जाना है वो कुछ नहीं। जिसको जानने से सब जाना जाता है वो हमने नहीं जाना, जिसको पाने से सब पाया जाता है उसको नहीं पाया, जिसको समझने से सब समझा जाता है उसको नहीं समझा। तो बुद्धि में यदि अकड़ है तो तुच्छ तुच्छ जानकारियां एकत्रित करके हम अपने को विद्वान या ज्ञानी या जानकार मान लेते हैं। अगर बुद्धि में प्रेम है परमात्मा के प्रति, आकांक्षाएं नहीं है, तो फिर हम कुछ जो जाना है उसकी कीमत हमको नहीं दिखती। जिससे जाना जाता है उसको समझने के लिए हमारे पास क्षमता आती। अर्जुन को लगा था एक बार, द्रौपदी के भी चित्त में हुआ था कि हम भगवान में प्रेम करते हैं, ईश्वर में प्रेम, सचमुच ईश्वर में प्रेम है कि हम पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर का उपयोग करते हैं। हमारी आसक्ति, हमारी प्रीति परमात्मा में है कि हम परमात्मा का अवलंबन लेकर हमारी आसक्ति नश्वर चीजों को पाने में है। और जब तक नश्वर चीजों में आसक्ति होगी, नश्वर चीजों में प्रीति होगी और मिटने वालों का आश्रय होगा, तब तक अमिट तत्व का बोध नहीं होता। और जब तक अमिट तत्व का बोध नहीं होता तब तक जन्म मरण का चक्कर मिटता नहीं। अर्जुन को हो गया था कभी कोई समय में